Good morning students. Today we will start a new chapter under the unit ecology. The name of this chapter is Organisms and Populations. What is ecology? ecology is a branch of science which deals with the organisms and its environment not only environment and what is the relation between these organisms and among these organisms that is the ecology so a habitat may organisms jo hai, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कौन तय करते हैं टू फैक्टर्स वन इज द बायोटिक फैक्टर एंड अदर वन इज़ द ए बायोटिक फैक्टर जो कि हमने एनवायरमेंट में स्टडी किए थे बिफोर आई विल कम टू द डिफरेंट फैक्टर्स आई विल टेल वॉट इज द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दे आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन्स एंड दे आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर जैसे जो माइक्रो मोलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे सेल बनाएंगे सेल मिलकर बनाएंगे टिशू टिशू मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन organ, ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक फुल फ्लैश्ड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैन ऑर्गेनिजम्स से पॉपुलेशन पॉपुलेशन से कम्युनिटीज कम्युनिटीज से इकोसिस्टम एंड देन इज द बायोमैस सो दीज आर द डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेश अब जो एक फुल फ्लैस्ड ऑर्गेनिज्म वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एंड देन एनवायरनमेंट। अब कौन तय करेगा कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं या उनकी पॉपुलेशन्स हैं उनका हैबिटेट कैसा होगा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बोथ द एबायोटिक फैक्टर एंड द बायोटिक फैक्टर सो कमिंग टू द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरमेंट Ecology is basically concerned with four levels of biological organizations: organisms, population, communities, and biomass. Like in this chapter, we have organisms and populations. Organisms and its environment. Before, uh, please concentrate on this slide so that I can make you understand how the abiotic factor affect the habitat of the organisms. सो दिस इज़ द बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपटेशन क्या है ये दो एबायोटिक फैक्टर है एक्स एक्सिस के अलाग आपने क्या लिया है मेन मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन उसका मीन निकालेंगे पूरे साल में जितनी भी बारिश हुई है या फिर स्नोफॉल हुआ है किस में सेंटीमीटर्स में ये हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया वाई में हमने लेना है मीन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे माइनस फिफ्टीन से थर्टी इसकी रेंज है तो इसका हम पूरे साल का मीन निकालेंगे और नाउ कंसनट्रेट हाउ बायो इट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे बायोमैस क्या है जैसे आर्कटिक एंड एल्पाइन टूंट्रा उसमें आप देखो टेम्परेचर कितना है माइनस टेन से ज़ीरो डिग्री के है और यहाँ पर रेनफॉल कितनी है नियर अबाउट हंड्रेड टेन हंड्रेड ट्वेंटी देन सेकेंड वन यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर कॉनिफर फॉरेस्ट कॉनिफर फॉरेस्ट जो है उसका आप देखो रेंज में जो अगर आप, आप स्नोफॉल फॉल उसका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखो स्नोफॉल और प्रेसपेशन में कैलकुलेट आर्बिट्रेरि नियर अबाउट टू फिफ्टी यू कैन से एंड टेम्परेचर देखो ज़ीरो से फिफ्टीन डिग्री और इसी तरह से यो येलो कलर में आपको ग्लैस ग्रास, ग्रास लैंडस दिख रही हैं उनका टेम्परेचर क्या है ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर और ट्वेंटी फाइव डिग्री तक है इसका मीन टेम्परेचर और डेजर्ट में आप देखो फाइव से ट्वेंटी फाइव से थोड़ा कम दिखा रहा है और यहाँ पे जो मेन है एनुअल है यहाँ पे और यहाँ पे इस, देखो डेजर्ट में बिल्कुल स्नोफॉल जो है फिफ्टी से बिल्कुल कम है और यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप देखो रेनफॉल सबसे ज़्यादा है नियर अबाउट फोर थर्टी के करीब है फोर फिफ्टी के करीब कह सकते हो आप और एनुअल टेम्परेचर जो है दैट इज़ इन बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड सो किसी भी बायोमास का जो बायोमास है जैसे डेजर्ट है रेन फॉरेस्ट है टुंड्रा है दैट इज उनकी फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है ये एबायोटिक फैक्टर्स पे। कौन से दो फैक्टर हमने देखे हैं टेम्परेचर एंड स्नो और डेज स्नो और रेनफॉल दैट इज ऑल्सो नोन एज द प्रेसिपिटेशन सो रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायो किसी बायोम में कितना क्या वेरिएशन हो रही है वो तय करती हैं दैट विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ अ हैबिटेट सो इंडिया के मेजर बायोम्स uh, कौन से हैं ए uh, में क्या है ए में है दिस इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बी में है डेसिडस फॉरेस्ट सी में है डेजर्ट और डी में आप देख रहे हो सी कोस्ट सो so, यहाँ से जो ए जैसे ए बायोटिक फैक्टर्स है टेम्परेचर है वाटर है लाइट है सॉइल है ये तय करेंगे और जो बायोटिक फैक्टर्स भी हैं वो भी तय करेंगे कि कैसा हैबिटेट होएगा द हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब वो पैथजेंस हैं पैरासाइट्स बनेंगे प्रीडेटर्स बनेंगे जो कॉम्पिटिटर्स बनेंगे दैट विद विच दे इंटरैक्ट कॉन्सटेंटली दैट इज ऑल्सो डिसाइड द नेचर ऑफ द हैबिटेड सो देर आर मेजर एबायोटिक फैक्टर्स उसमें आज हम सिर्फ करेंगे टेम्परेचर टेम्परेचर में क्या है ये बहुत ही रेलिवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर हैं सो एवरेज टेम्परेचर जो है लैंड पे वो सीजनली चेंज होता रहता है डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्राम इक्वेटर टूअर्ड्स द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन टॉप्स जो रेंज होती है सब ज़ीरो लेवल से सब ज़ीरो लेवल इन पोलर एरिया से ले हाई एल्टीट्यूड से ले जो है फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड इन मोर देन फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन द समर सो द यूनिक हैबिटेट्स जो थर्मल स्प्रिंग्स हैं या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं उनमें जो एवरेज टेम्परेचर है वो हंड्रेड डिग्री से भी ज़्यादा होता है सो इन जर्नल जो है जैसे हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से एक ट्री की एग्जिस्टेंस को भी कंट्रोल करता है जैसे मैंगो ट्री है वो जो टेम्परेट कंट्री में नहीं ग्रो करेगा टेम्परेट मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होएगा क्योंकि इस ट्री के ग्रोथ के लिए टेम्परेचर होना ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही होएगा कैनेडा और जर्मी में जो है नहीं होएगा इसी तरह से जो स्नो लेपर्ड है वो केरला फॉरेस्ट में या टूना फिश आर रेयरली कॉड बियॉन्ग द ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स इन द ओशंस सो टेम्परेचर तय करता है किसी भी हैबिटेट का प्लांट का एनिमल का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट और टेम्परेचर जो है ये बहुत क्या है सिग्निफिकेंट फैक्टर है अब साइंटिफिकली क्या चीज़ है जो हाई टेम्परेचर पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करती है वो है इनके एंजाइम्स कैनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स जहाँ फिर बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ऑफ द अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब इनमें जो एंजाइम्स होंगे वो क्या होंगे अडेप्टड एंजाइम्स होंगे इनका मेटाबॉलिज्म जो होगा दैट इज़ द अडेप्ट मेटाबॉलिज्म होएगा जो कि इन हार्ज कंडीशंस कह सकते हैं या एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स कुछ एक ऑर्गेनिजम्स हैं वो टॉलरेट कर देते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर उनको हम बोलते हैं ऑरिथर्मल कुछ जो है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दैम है वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही रिस्ट्रिक्टेड है उनको हम बोलते हैं स्टेनोथर्मल स्टीनो स्टेनोथर्मल भी बोल सकते हैं या फिर कुछ लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटर्मिन टू अ लार्ज एक्सटेंट दिए जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिपेंड करता है कि वो स्टीनोथर्मिक होंगे या फिर यूरीथर्मल होंगे तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है उनकी टाइप तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँ कि जो माइक्रोगैनिजम्स हैं एक माइक्रोगैनिज्म का नाम है बेसिलस सप्टिलस और इस दूसरा है बेसिलस थर्मोफिलस। ये भी ऐसे माइक्रोगैनिजम्स हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर के पे ग्रो कर सकते हैं मतलब इवन दे कैन विच स्टैंड द बॉइलिंग वाटर बॉयलिंग टेम्परेचर वो जो है उन उस पर मोर देन हंड्रेड डिग्री दे कैन ग्रो so the, what what make them to withstand this much of temperature only and only the specialized enzymes or and adapted enzymes in their body that will help to grow in the adverse conditions and next biotic factor we will do uh, in the next lecture that is the water